हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि मंत्री अनिल शर्मा ने हमें हित के लिए कांग्रेस का उपयोग किया है, अब चुनाव और जनता उसे इसका अच्छा सबक सिखाएगी। अनिल शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम शर्मा पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति अब जनता और आया राम गया राम जैसी हो गई है। वीरभद्र ने मंगलवार को कुल्लू जिले के भुंतर, बंजार और मनाली और जनसभा और उन्होंने भाजपा के स्टार प्रचारकों पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के कई बाहरी नेताओं की फौज हिमाचल और चुनाव प्रचार को ऐसे पहुंच रही है कि मानो वह सीमा पर युद्ध लड़ने जा रहे हो। बंजार और उन्होंने कहा कि गुड़िया कांड को भाजपा ने हवा बनाया है और भ्रामक प्रचार किया है। सीबीआई को आज कई माह हो गए हैं लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला है, अब भी लोगों को सीबीआई की रिपोर्ट का इंतजार है। भाजपा देशीय अध्यक्ष अमित शाह हिमाचल और विकास ना होने की बात कह रहे हैं, वह इसे साबित करें कि हिमाचल और कहां विकास नहीं हुआ है। भुंतर और उन्होंने कहा कि महेश्वर सिंह वही सदी और वही सदी की सोच रखते हैं। वीरभद्र ने मंगलवार को कुल्लू जिले के भुंतर, बंजार और मनाली और जनसभा और उन्होंने भाजपा के स्टार प्रचारकों पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के कई बाहरी नेताओं की फौज हिमाचल और चुनाव प्रचार को ऐसे पहुंच रही है कि मानो वह सीमा पर युद्ध लड़ने जा रहे हो। बंजार और उन्होंने कहा कि गुड़िया कांड को भाजपा ने हवा बनाया है और भ्रामक प्रचार किया है। सीबीआई को आज कई माह हो गए हैं लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला है, अब भी लोगों को सीबीआई की रिपोर्ट का इंतजार है। भाजपा देशीय अध्यक्ष अमित शाह हिमाचल और विकास ना होने की बात कह रहे हैं, वह इसे साबित करें कि हिमाचल और कहां विकास नहीं हुआ है। भुंतर और उन्होंने कहा कि महेश्वर सिंह वही सदी और वही सदी की सोच रखते हैं। दूरदराज के क्षेत्रों और उच्च शिक्षा के लिए रेवड़ियों की तरह कॉलेज बांटे हैं। हिमाचल हर दिशा और आगे बढ़ा है लेकिन भाजपा को कभी विकास नहीं दिखता है, यह लोग आंख के अंधे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दरअसल भाजपा के नेता पर्यटन प्रेमी हैं, उसे हिमाचल खासा पसंद है, वह चुनाव के बहाने हिमाचल की सैर का लुत्फ उठा रहे हैं। अच्छी बात है कि प्रचार के बहाने ही सही लेकिन भाजपा के नेताओं के दर्शन तो हो रहे हैं। भाजपा के तमाम प्रयासों के बावजूद हिमाचल और गुजरात और कांग्रेस की सरकार बनेगी। मनाली और कांग्रेस प्रत्याशी हरिचंद शर्मा, प्रदेश कांग्रेस महासचिव धर्मवीर धामी, मंडल अध्यक्ष भुवनेश्वर और देवहंत नेगी, बंजार और कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य विक्रम सिंह, पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर, शिवानी सिंह, मंडल अध्यक्ष राम सिंह मियां, थल सिंह राणा, भुंतर और कांग्रेस प्रत्याशी सुंदर सिंह ठाकुर, प्रदेश महासचिव अरुण शर्मा, जिप सदस्य प्रेम लता ठाकुर, नप उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत, मंडल अध्यक्ष उत्तम शर्मा समेत अन्य मौजूद रहे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।